फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं आगे जो है सिग्नल नहीं है, अभी जो है ट्रेन रुकी है। बनारस स्टेशन से ये बाहर जो है आ चुके हैं यहाँ पे। ये बनारस का सीन पूरा आपको दिख रहा है। हे गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक अलग ही जर्नी, जो कि आज हम जाने वाले हैं वाया मुगलसराय बनारस की ओर। आज हम भाई हवा भी बहुत तेज़ है, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा हो नहीं दे रहा होगा। आज हम जो है स्टेशन पे आ चुके हैं, उसी स्टेशन पे रिला नगर से होते हुए मुगलसराय से होते हुए बनारस आज हम जाने वाले हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बनारस का पूरा टूर, जो कि बहुत ही देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है पूरा। मैं आपको रास्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे जाएंगे पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मुगलसराय से बाय रोड जाएंगे या फिर ट्रेन से कुछ पता नहीं है, तो चलते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ब्लॉग में बने रहिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। आप अभी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्टेशन पे खड़े हैं, अभी आधे घंटे में ट्रेन आएगी, आधे घंटे में वही मेमो पैसेंजर हर बार की तरह। तो इधर से जाएंगे पश्चिम साइड की तरफ। पिछली बार मैं आपको दिखाया था जो है बनारस गए थे, बक्सर गए थे, तो मैं आपको दिखाया था, बहुत ही अच्छा आप लोगों का जो है सपोर्ट रहा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कब तक ट्रेन आती है। मैं आपको बनारस तक का पूरा जो है टूर कराने वाला हूँ, पूरा मैं आपको सीन दिखाऊंगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा सीन दिख देख सकते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी 6:40 हो रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये है उसिया स्टेशन से हम लोग जो है मेमो पैसेंजर पकड़ कर जाने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साइड में दो टावर भी है उसिया स्टेशन। तो चलते हैं देखते हैं कब तक आती है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरे को और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डाउन जाने वाली ट्रेन जो है आ चुकी है, अभी अप वाली नहीं आई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आ चुकी है। अभी इधर देखते हैं आई है कि नहीं आई है। ये अभी आई थिंक भदौरा में खड़ी है, ये दिला नगर खड़ी थी, आ गई है फाइनली यहाँ पे उसिया। ये डाउन वाली मेमो पैसेंजर है, अभी अप में जो है आने वाली है। तो आएगी तो उसे से मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। ब्लॉग में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी उसे कर लीजिएगा। अभी तो नहीं आ रही है सर, दोस्तों ये डाउन में जो है ट्रेन चली गई है, अभी अप वाली हम लोगों की जो है पैसेंजर आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन जो है फाइनली आ चुकी है इधर की, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं, तो चलते हैं पूरा मैं आपको बनारस तक का टूर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख सकते हैं आ चुकी है, तो चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो है आ चुके हैं, ट्रेन में जो है चढ़ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा। अभी दिलदार नगर जाने वाली है, आपको दिख रहा है इधर दिलदार नगर होते हुए मुगलसराय होते हुए जो है बनारस की तरफ जाएगी, जो कि पूरा वीडियो में दिखाऊंगा। अभी जो है ट्रेन में हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो है चढ़ चुके हैं। दिलदार नगर पहुंचने वाली है, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा। दोस्तों ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं, ब्लॉग में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा मैं आपको दिखाऊंगा आगे सीन जो है क्या होता है क्या नहीं होता है। बीच में गंगा रिवर भी पड़ेगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ब्लॉग ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
इधर जो है एक और मालगाड़ी जो खड़ी है जिसमें स्लीपर जो है लादा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ही दिलदार नगर का सीन है। प्लेटफॉर्म नंबर 4C बन चुका है जो कि आपको दिख रहे हैं। अभी मैं आपको उस साइड का दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये है दिलदार नगर जो है प्लेटफॉर्म, दिलदार नगर स्टेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है अच्छे से। दिलदार नगर स्टेशन पे जो है मेमू पैसेंजर आ चुके हैं। अब पूरा मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते हैं, पूरा मैं आपको देखने को मिलने वाला है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुगल सराय होते हुए हम लोग बनारस जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। देख सकते हैं दोस्तों दिलदार नगर स्टेशन से जो है ट्रेन अभी चल पड़ी है। पूरा मैं आपको बनारस तक का सीन दिखाऊंगा। ये है दिलदार नगर स्टेशन, देख लीजिए आप लोग, जो कि मैं पुराने वीडियो में भी मैं आप लोगों को दिखाया हूँ। दोस्तों अभी आप लोग यहां पे देख सकते हैं, अभी हम जो है कुचमन स्टेशन पे हैं। एक ट्रेन जो है डाउन की तरफ जो है क्रास करी है, यहीं से स्टार्टिंग में नहीं लगी है, बस स्टार्ट होने वाली है। अगर मैं आपको इस साइड में आपको दिखाऊं, यहां पे कुचमन स्टेशन पे है अभी, देख सकते हैं आप लोग ये कुचमन प्लेटफॉर्म है। बस जो है मुगल सराय हम लोग पहुंचने वाले हैं, मुगल सराय से वाया मुगल सराय होते हुए बनारस की ओर जाएंगे। देख सकते हैं अभी ये ट्रेन जो है खुल चुकी है मेमू पैसेंजर। तो ब्लॉग में बने रहिए। कुचमन स्टेशन से जो है ट्रेन जो है खुल चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो चलते हैं बनारस, आपको रास्ते में दिखाता रहूँगा जो भी है दिखाने लायक आप लोगों को। अभी गंगा नदी रिवर जो है आने वाला है, आपको दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो है मुगल सराय स्टेशन आने आ रहा है, पूरा मैं यार्ड होते हुए जाएंगे हम लोग, पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। लाइक कर दीजिएगा, कंटिन्यू कर दें हम लोग। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो है कुचमन स्टेशन से आगे जो है ये एक ओवर ब्रिज बन रहा है, आई थिंक आपको दिख रहा है। मेरा आवाज़ आपको अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पे मुगल सराय स्टेशन पे जो है आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो है अभी ट्रेन जो है आ चुकी है हम लोग की, पैसेंजर मेमू पैसेंजर। यहाँ पे जो है इसका जो है 5 मिनट का स्टॉप है और यहाँ से 5 मिनट के बाद जो है खुलेगी, उसके बाद हम चलेंगे बनारस। इसके बाद जो है गंगा नदी आने वाला है, मैं आपको दिखाऊँगा। तो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा सुंदर होने वाला है, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा मैं आपको दिखाऊंगा सीन। तो पूरा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का दिखा देता हूँ सराय स्टेशन का जो है सीन, यहाँ पे देख सकते हैं ये मुगल सराय प्लेटफॉर्म है। अभी मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ इसीलिए मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखा पा रहा। अभी बाहर हम लोग गए थे, मैं आपको दिखाया हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाकर, तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये है सीढ़ी ओवर ब्रिज, अभी मेन ओवर ब्रिज उस साइड है, देख सकते हैं आपको एक ब्लू वाला आगे दिख रहा है ऊपर। ये छोटे मोटे जो है कैंटीन है, यहाँ से जो है ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा देते हैं भाई।
यहाँ पे ठंडा पानी है, यहाँ पे देख सकते हैं उतना ठंडा नहीं है भाई। तो कंटिन्यू करते हैं आप लोग को, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ सीट वहाँ का। चलते हैं बनारस, बनारस स्टेशन तक चलेंगे, उसके बाद ब्लॉग प्रिंट करेंगे। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों दो तीन मिनट में अभी जो है ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होने वाली है मुगलसराय स्टेशन से। अभी हम लोग यहीं पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अभी रास्ते में बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली है, तो पूरा मैं आपको दिखाऊँगा आगे रास्ते में। अभी खुलने वाली है थोड़ी देर में, अभी देख सकते हैं यहीं पर बैठे हैं हम लोग। तो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन जो है स्टार्ट हो चुकी है मुगलसराय स्टेशन से, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे लग रहा है एक ओवर ब्रिज बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है ट्रेन। यहाँ से देख सकते हैं मुगलसराय। लोको कोचिंग के लिए यहाँ रुके, यहाँ पे बोर्ड लगा था, यहाँ से खुल चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, देख सकते हैं दोस्तों ट्रेन धीरे धीरे बढ़ रही है। यार्ड और ट्रेन से जो है आगे निकल चुकी है सब, देख सकते हैं आप लोग। मौसम भी अच्छा है, बादल छाया है। ये एक वेस्ट में आपको एक ओवर ब्रिज देखने को मिलेगा, जो कि पूरी जो ट्रैक को क्रॉस करके उस पार गया है। अभी जो है गंगा रिवर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक उधर से जो है ट्रैक आया हुआ है, आपको दिख रहा है अच्छे से। क्या टर्निंग ले रही है, काफी अति सुंदर नजारा है यहाँ पे, देख सकते हैं। देख सकते हैं ट्रैक काफी जो है ढलान है इधर। देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ का दृश्य है। एक ऊपर जो है ट्रैक है ओवर ब्रिज, यहाँ से बहुत ज्यादा टर्निंग ली है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमेशा जो है सिग्नल नहीं रहता है, देख सकते हैं आगे जो है सिग्नल नहीं है लग रहा है। और इस साइड मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे आपको दिख रहा है रेड सिग्नल अभी नहीं है। ट्रैक जो है काफी ढलान है इधर। गाइस आप लोग देख सकते हैं आगे जो है सिग्नल नहीं है, अभी जो है ट्रेन रुकी है। काफी अच्छा लग रहा है देखने में, यहाँ पे देख सकते हैं वो सिग्नल होगा तो एक ट्रेन चलेगी। और इस साइड में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर एक जो है ओवर ब्रिज है, आपको दिख रहा है।
मैं जब भी आया हूँ यहाँ पे जो है ट्रेन हमेशा रुकती है, यहाँ पे देख सकते हैं हमेशा जो है रुकती है ट्रेन। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये है व्यास नगर छोटा सा स्टेशन आपको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं अब बनारस जाएगी। देख सकते हैं ये व्यास नगर है, अभी जो है गंगा नदी आने वाला है तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा लास्ट तक, बहुत ही आपको मजे आने वाले हैं। दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं अभी जो है काशी स्टेशन पे जो है ट्रेन आ चुके है, इसके बाद जो है आपको बनारस स्टेशन जो है देखने को मिलने वाला है। आगे जो बनारस स्टेशन आने वाला है ये काशी स्टेशन पे जो है रुकी है, यहां पे देख सकते हैं यहां पे देख सकते हैं आप लोग। अगर मैं आपको इस साइड दिखाऊँ देख सकते हैं काशी, अभी ये भी काफ़ी अच्छा स्टेशन है, अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ पे भी। ये ठीक गंगा नदी के बाद जो है आपको काशी स्टेशन पड़ता है और ऊपर जो है आपको जो है ब्रिज आपको दिख रहा है वो। तो बनारस अब आने वाले हैं तो वहीं पे इन करेंगे ब्लॉग को, पूरा मैं आपको दिखा दूंगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ से भी जो है ट्रेन जो है स्टार्ट हो चुकी है काशी स्टेशन से, अब बनारस स्टेशन आने वाला है तो वहीं पे ब्लॉग प्रिंट कर देंगे। जो भी है मैं आपको दिखा दिया, वहाँ का भी सीन मैं आपको दिखा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को जरूर से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब सब्सक्राइब करने में क्या है, कर देना। तो बनारस बस आने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ बनारस का सीन थोड़ा सा। देख सकते हैं ये एक ट्रैक है,
आगे सिग्नल नहीं है इसीलिए ट्रेन जो है स्लो हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं साइड में ओवरब्रिज रोड जो कि चल रहा है, अभी देख सकते हैं ऊपर सिग्नल नहीं आगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बनारस शहर जो है आ चुका है। ये जो है ओवर ब्रिज है जो बनाए जो कि आप लोगों को दिख रहे हैं, अभी वाराणसी स्टेशन आने वाला है। थोड़ी देर में जो है प्लेटफॉर्म पे जो है ट्रेन जाने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं टर्निंग ले रही है थोड़ा सा। वाराणसी प्लेटफॉर्म जो है आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिख रहा है। बाहर मैं आपको उतर कर दिखाऊंगा, देखते रहिए, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है प्लेटफॉर्म, उस साइड है प्लेटफॉर्म शायद। प्लेटफॉर्म उस साइड है, ये बनारस स्टेशन। तो 1, 2, 3, 4 पे आई है आई थिंक, 1, 2, 3, 4 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई है। उस साइड प्लेटफॉर्म है।
अभी रुक चुकी है, चलते हैं वहाँ से दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो है बनारस स्टेशन पे जो है आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं उतर चुके हैं। अभी जो है इलेक्ट्रिक सीढ़ी है, एक नॉर्मल वाला भी है शायद, तो उसे हम जाएंगे ऊपर ऊपर से। यहाँ पे देख सकते हैं बनारस स्टेशन वाराणसी जंक्शन, पूरा देख सकते हैं। देख सकते हैं इधर से ओवर ब्रिज से जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अभी बनारस स्टेशन से बाहर जो है आ चुके हैं। यहाँ पे अभी आगे भी जाना है, थोड़ा सा कुछ काम है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बनारस स्टेशन बाहर साइड आए हम लोग। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देख सकते हैं ये बनारस का सीन पूरा आपको दिख रहा है। तो आगे चलते हैं, पूरा मैं आपको बनारस शहर घुमाता हूँ आप लोगों को। आगे से जो है ऑटो ऑटो पकड़ेंगे, अभी बैग वैग सब लिए हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं बैग लिए हैं, उसके बाद आगे आगे से जो है ऑटो पकड़ेंगे हम लोग। अभी बनारस जो है बाहर साइड में है।